शासन में कुछ नहीं होगा। ऑनरेबल गवर्नर पहले राजीव सिन्हा को अपॉइंटमेंट करके बहुत बढ़िया गलती किया, एक नंबर। दूसरा नंबर, उसका बाद ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट टू सेव लाइफ एंड रिस्टोर पीस इन वेस्ट बंगाल। फाइनली उनका इतना भाषण, अपील, सबका बाद भी जो हादसा आज हो गया है, नाउ इट इज 3 PM ऑलरेडी मोर देन 15 पीपल डाइड ब्रूटली किल्ड बाय द गुंस, मोर देन 20,000 बूथ कैप्चर्ड बाय द टीएमसी हुलिगन इन प्रेजेंस ऑफ स्टेट पुलिस। CAPF इज टोटली नॉन फंक्शनिंग ड्यू टू नॉन कॉपरेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट पुलिस। इसका बात तो भाषण देने का जरूरत नहीं है, इसका बात गवर्नर जी का भाषण देने का जरूरत नहीं है। ही शुड सेंड ए रिपोर्ट टू द सेंट्रल, द वेस्ट बंगाल इज बर्निंग, सेंट्रल शुड इंटरवेन आइदर 355 और 356। वी वांट एक्शन, द बंगाल पीपल वांट एक्शन फ्रॉम द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मुंह तोड़ जवाब चल रहा है, 7-8 बूथ में रिगिंग किया था, उसका बाद रिटेलिएट स्टार्ट किया जनता ने। मेरा क्षेत्र में मैं हूं, या वोट डाला, बाकी हूं 5 बजे तक, चोरी में रोक दिया, बहुत बूथ में रिपोलिंग होगा। आप तक जो जानकारी मुझे मेरे पास है, 100 बूथ उसमें रिपोलिंग करना पड़ेगा। पब्लिक रेजिस्टेंस जहां हुआ है और भी होगा, अगले 2 घंटा जहां जहां रिक किया है लोग, बूथ कैप्चर किया, वहां बाहर का गुंडा लोग भाग जाने का बात, गांव का आदमी आ रहा है और बैलेट बॉक्स को पानी से फेंकने का काम स्टार्ट किया। छोड़ने वाला हम लोग नहीं है, ये बंगाल स्वतंत्रता सेनानी का माटी है, इस माटी में ये सब नहीं चलेगा। It's a frontal organization of the ruling TMC, and the drunkard of the registered drunkard, Mr. Rajiv Sinha, is the chief of the state election commission. He's a paid dog of Mamata Banerjee. उसको deployment नहीं है, deployment नहीं किया। आप तो घूम रहा है, ANIPTI सब लोग घूम रहा है, कहाँ मिला है, कुछ मिला है? आप इंटरनेशनल नेशनल एजेंसी है, कुछ आया आपका पास, कुछ तस्वीर है, सेंट्रल पुलिस का एक्शन में है, काम में है? उनका लॉजिस्टिक कौन प्रोवाइड करेगा, एकोमोडेशन कौन प्रोवाइड करेगा, फूड कौन प्रोवाइड करेगा, वाटर कौन प्रोवाइड करेगा, एरिया डोमिनेशन के लिए ये लद्दाख से आया है, ये मिजोरम से आया है, ये छत्तीसगढ़ से आया है, ये 2 घंटे में एरिया उसको पता चल जाएगा, कहाँ नंदीग्राम, कहाँ खेजूरी, कहाँ कैनिंग, कहाँ भांगौड़, कहाँ कुलतुली, कहाँ बासंती, कहाँ दीनाटा, सब पता चलेगा। हु इज गाइडेड? आपका कोर्ट का ऑर्डर पढ़ लीजिए ना, स्टेट गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड एवरीथिंग, स्टेट गवर्नमेंट उसको लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया, एकोमोडेशन दिया, इवन दे नॉट अरेंज यूरिनल एंड टॉयलेट ऑल्सो। ये कोई चुनाव नहीं है, सत्यानाश हो गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बंगाल का जो स्वतंत्रता संग्राम में आगे था, या जो जमीन में आप है मैं भी हूं, यहाँ नेशनल गवर्नमेंट फॉर्मेशन हुआ था, ताम्रलिप्त नेशनल गवर्नमेंट 1942, यहाँ का स्वतंत्रता सेनानियों ने 1942 17 दिसंबर फ्रीडम डिक्लेयर कर दिया था। इस भूमि को पूरा के पूरा ममता जी और उनकी भातीजा खत्म कर दिया विद द कनाइवेंस ऑफ द वेस्ट बंगाल पुलिस, स्पेशली सम IPS ऑफिसर। आप सेंट्रल को पूछ लीजिए,
मैं बंगाल की जनता की नाते अपील कर सकता हूँ, करने का नहीं करने का बात तो मेरा नहीं है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन का मेरा दूसरा, ये पार्टी ने मुझे दिया है, मोदी जी, नड्डा जी, अमित शाह जी का ब्लेसिंग्स है, उन्होंने दिया है, विधायक लोग चुने हैं मुझे, मैं काम कर रहा हूँ। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट अपने तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन, विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क काम करता है। मैं मेरा अपील, मेरा मांग उठा सकता हूँ, क्या करेगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट को डिसीजन लेना चाहिए, ये मेरा बोलने का अधिकार नहीं है, मेरा डिमांड है। तो ऑब्वियसली प्रेसिडेंट नहीं करेगा तो इसको ममता जी को चीफ मिनिस्टर, इंसॉल्वेंट चीफ मिनिस्टर, उनको छोड़ दीजिए, चीफ मिनिस्टर आने दीजिए, हम लोग चुनाव जीत के उसको हटाएंगे। लेकिन बंगाल का जनता, आम नागरिक का जान माल, बंगाल का डेमोक्रेसी, बंगाल का कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट्स, बंगाल का छोटा शिशु से लेकर औरत तक सबको प्रोटेक्शन देने का कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी देश की सरकार की है। देश की सरकार मणिपुर में भाजपा की सरकार है, वहां 355 लगा दिया, वहां कुलदीप सिंह जी जो रिटायर्ड डीजी है सीआरपीएफ का, उसको एडवाइजर करके लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कंट्रोल कर रहा है। बंगाल में भी ममता जी को चीफ मिनिस्टर रखने रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, चुनाव में हम लोग चेंज करेंगे सत्ता। लेकिन जान माल को रक्षा करने के लिए, इतना डिटोरेटिंग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के लिए, आम जनता का थोड़ा बेचैनी से नींद के लिए, यहाँ 355 मणिपुर के तरीके से लगाना चाहिए। यहाँ का हालत मणिपुर से भी खराब है, बहुत ही खराब है, जंगल राज चल रहा है। नहीं नहीं हम लोग वी आर वेटिंग फॉर ट्यूजडे कॉन्टेस्ट पिटीशन, हमारी प्रधान विचारपति का जो खंडपीठ है, वो न्यायाधीश ने ये मामला खत्म नहीं किया, इनको ट्रस्ट नहीं है, इसलिए ट्यूजडे रखा है। हमारा जो डॉक्यूमेंट एविडेंस हुआ है, ये रिटर्निंग ऑफिसर से लेकर, लोकल पुलिस स्टेशन से लेकर, गवर्नर से लेकर, स्टेट इलेक्शन कमीशन से लेकर, नेशनल ह्यूमन राइट से लेकर, सबको हम लोग मेल से, आज का जो हादसा हुआ है उसका पिक्चर, वीडियोग्राफी और हमारी जो कॉम्प्लेन, वो हमारी प्रत्याशी लोग, हमारी पार्टी का टोली भेज रहा है, आम जनता भी भेज रहा है, इस सब पेपर्स के ऊपर ट्यूजडे कोर्ट में हम लोग इसके लिए जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका खिलाफ कार्रवाई, और जो जो पोलिंग स्टेशन में ये हादसा हुआ वहाँ सीसीटीवी और वीडियोग्राफी का डायरेक्शन था, सीसीटीवी वीडियोग्राफी को सेंट्रल फॉरेंसिक का द्वारा आपका उसको जांच, और उस बूथ में रिपोल का हम लोग डिमांड करेगा। वी आर नाउ वर्किंग, नाउ इट इज 3 o'clock, आफ्टर 5 PM आवर पार्टी विल स्पीक, माई सेल्फ विल ऑल्सो।